हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। युवक से मारपीट के तीन आरोपी गिरफ्तार। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बापू कॉलोनी में दो दिन पूर्व रात्रि में युवक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की धरपकड़ के दौरान एक आरोपी ने भागने की असफल कोशिश भी की, लेकिन कोतवाली पुलिस की टीम ने उसे फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर आरोप है कि इन लोगों ने आपसी रंजिश के चलते शहर के बापू कॉलोनी में दो दिन पूर्व रात्रि को अनिल पुत्र सत्यनारायण नामक युवक के साथ मारपीट कर उसके दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन और शहर कोतवाल उगम राज सोनी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम ने तीन आरोपियों कलेक्ट्रेट परिसर से गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि शहर के बापू कॉलोनी में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों ने एक युवक को मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलिस को इत्तला मिली थी कि बापू कॉलोनी में युवक के साथ मारपीट करने के आरोपी कलेक्ट्रेट परिसर में न्यायालय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूचना पर पहुंची कोतवाली की टीम ने कार्रवाई करते हुए महेंद्र पुत्र रविदास धारू, संदीप पुत्र रविदास और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उनके मेडिकल के बाद थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने आरोपियों से मारपीट के संबंध में पूछताछ शुरू की है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आनंद शर्मा पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। देखिए, पुलिस कस्टडी से नहीं भागा। कोतवाली में मुकदमा नंबर 256 दर्ज हुआ है, जो आपसी मारपीट का था, उसमें वो वांछित था व्यक्ति, और पुलिस को सूचना मिली कि अभी वो कोर्ट परिसर में घूम रहा है। ऐसे में वो पुलिस को भेजा गया आईओ को उसे गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस को देख के वो भागा, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के थाने ले गए। अब उसका मेडिकल कराएंगे और जो उसकी अरेस्ट और दूसरी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेंगे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।